हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सेंसर में फंस सकती है फिल्म संजू। फिल्म संजू में शराबखोरी और ड्रग्स वाले कई सीन्स पर सेंसर की कैची चल सकती है। ये फिल्म 20 जून के आसपास सेंसर बोर्ड को दिखाई जाएगी। शराब, ड्रग्स और महिलाओं को लेकर कई सीन सेंसर बोर्ड के स्कैनर में आ सकते हैं। शाहरुख को सैल्यूट करेंगी करीना। शाहरुख खान की फिल्म सैल्यूट की हीरोइन के तौर पर करीना कपूर का नाम फाइनल हो गया है। इस रेस में करीना के अलावा दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस का नाम था, लेकिन बाजी करीना के हाथ लगी है। सलमान ने लॉन्च किया अल्लाह दुहाई सॉन्ग। फिल्म रेस 3 के हीरो और सेल्फिश सॉन्ग को भी काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म का टाइटल ट्रैक अल्लाह दुहाई को भी लॉन्च किया गया। जानवी के फेवरेट राजकुमार राव। जानवी ने बताया कि उन्हें राजकुमार राव सबसे ज्यादा पसंद हैं। बरेली की बर्फी देखने के बाद मैं वाकई में ऐसा चाहती थी कि राजकुमार राव मुझे नोटिस करें। सट्टे से परेशान सलमान। अरबाज खान ने पुलिस पूछताछ में आईपीएल में सट्टेबाजी की बात कबूल कर ली है। सलमान भी अपने भाई की इस आदत से काफी परेशान थे। एक बार तो सलमान को इतना गुस्सा आया कि उन्हें थप्पड़ लगाने के लिए उठ खड़े हुए। सट्टेबाजी से टूटी अरबाज की शादी। अरबाज खान और मलाइका की शादी के जैसे ही टूटने की खबरें सामने आई, हर कोई दंग रह गया था। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि मलाइका और अरबाज के अलग होने के पीछे अरबाज खान की सट्टेबाजी थी। अरबाज से मिलने पहुंची मलाइका। अरबाज की सट्टेबाजी की आदत से मलाइका बहुत परेशान थी। बावजूद इसके अरबाज से तलाक ले चुकी मलाइका उनसे मिलने गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची थी। रणवीर सिंह की दादी का हुआ देहांत। रणवीर अपनी ग्रैंड मदर के काफी करीब थे। उनकी तबीयत काफी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी। उनके गुजर जाने के बाद रणवीर ने अपने सारे इवेंट्स और शूट पोस्टपोन कर दिए। कमबैक कर रही है ईशा देओल। ईशा देओल की आने वाली फिल्म केक वॉक का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। इसका निर्देशन राम कमल मुखर्जी और अभ्रा चक्रवर्ती ने किया है। केक वॉक के पोस्टर में ईशा शेफ की यूनिफॉर्म में ही नजर आ रही है। आज नूतन का बर्थडे है। 5 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई नूतन का आज बर्थडे है। पर्दे पर अपने सौम्य और सशक्त अभिनय से गहरी छाप छोड़ने वाली नूतन ने अपने अभिनय से बड़े पर्दे पर जो रंग भरे वो आज भी बेहद गहरे और चटक हैं। पांड्या का हार्दिक ब्रेकअप। हार्दिक पांड्या और अली अबराम कुछ महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। पांड्या का दिल बॉलीवुड की एक नई एक्ट्रेस पर आ गया है, जिसकी वजह से अली ने उनसे दूरियां बना ली हैं। जॉन पर फिदा नोरा फतेही। फिल्म सत्यमेव जयते के गीत दिलबर में नजर आने वाली नोरा फतेही का कहना है कि मैं जॉन के काम करने की समझ का सम्मान करती हूं और वो वास्तव में कई शानदार फिल्मों का हिस्सा है। मलयालम फिल्म के रीमेक में अर्जुन। बोनी कपूर ने मशहूर मलयालम सुपरहिट फिल्म प्रेमम के रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं और इस फिल्म के लिए वो अर्जुन को इसमें ले सकते हैं। करण बिपाशा की आदत। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर शादी के बाद पहली बार फिल्म आदत में नजर आएंगे, जिसे विक्रम भट्ट ने लिखा है। निर्देशक भूषण पटेल इस फिल्म को निर्देशित करेंगे। फ्लॉप फिल्म को मिलेंगे 3 अवार्ड। फिल्म जग्गा जासूस आईफा अवार्ड्स में टेक्निकल कैटेगरी में विजेताओं की सूची में टॉप पर है। फिल्म ने टेक्निकल कैटेगरी में 3 पुरस्कार जीते हैं। इनमें बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, बेस्ट कोरियोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स शामिल हैं। बिग बी ने किया रणवीर को चैलेंज। अमिताभ बच्चन ने तस्वीर के साथ लिखा, रणवीर सिंह के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रणवीर सिंह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने उनकी तस्वीर पर कमेंट किया कि इसे लेकर कोई कॉम्पिटिशन नहीं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। कारवा से भिड़ेंगे फन्ने खान। फिल्म फन्ने खान की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब ये फिल्म 3 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसी दिन फिल्म कारवा भी रिलीज हो रही है। अब ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से टकराएंगी। 12 बच्चे चाहती है रेखा। रेखा ने कहा था, चाहती हूँ कि मेरे घर का खालीपन बच्चों से भर जाए। सोचिए, बच्चे सीढ़ियों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 बच्चे नहीं चाहिए, कम से कम 12। मुझे पछतावा है कि मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। डिस्कवरी चैनल पर वायुसेना। डिस्कवरी चैनल पर ब्रेकिंग पॉइंट इंडियन एयरफोर्स अकेडमी नामक एक खास धारावाहिक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें वायुसेना के जाबाजों के जीवन के रोमांचक व प्रेरक पहलू को दिखाया जाएगा। मोस्ट एंगेजिंग सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा। स्कोर ट्रेंड्स इंडिया के मुताबिक प्रियंका के 100 अंकों के साथ ये साबित हो गया है कि प्रियंका चोपड़ा फेसबुक पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।